गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई अनिल कुमार स्वाई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स टुडे ऑन एवरेज डे ऑन मंडे आई वेलकम टू यू फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर व्हेन मस्ट इट प्ले होली दिस इज द चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स दिस इज पेज नंबर 78 सो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो प्लीज refer to the textbook and students as I told you that your subjects for your lessons they all are divided into 5 sections so this sections is all about celebrations celebration means students utsav manana hum bol sakte hain so in that group when rashtri pred holi comes and students do you know holi holi ka matlab kya holi kya hai wo ek tyohar hai kyun hum aisa tyohar manate hain आपको तो पता होगा इंडिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं हर महीने में कुछ ना कुछ त्यौहार होता है तो बच्चों होली ज़्यादातर हम लोग मार्च के महीने में मनाया करते हैं ठीक है बच्चों फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले पेज नंबर 78 में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स सही बात है इंडिया को हम क्या बोलते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहुत सारे मतलब त्यौहार हर सीजन में हर मौसम में मनाया जाता है ठीक है बच्चों तो यहाँ हम पढ़ने वाले होली के बारे में फिर बच्चों यहाँ पूछा गया है नेम द मेजर फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट क्या क्या हो सकता है बच्चों जैसे कि रक्षाबंधन है होली है दिवाली है दशहरा है ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम हर साल मनाते हैं फिर बच्चों उसके बाद व्हिच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई ये आप डिस्कस करोगे आपको ये बताया गया है कि आपको कौन से त्यौहार में सबसे ज्यादा मजा आता है और आपको क्यों मजा आता है उसको आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो बच्चों एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ कि ये जो कहानी है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है बच्चों रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस और बहुत बड़े ऑथर हैं राइटर हैं ठीक है बच्चों केवल अभी मैं ये चैप्टर पढ़ना चालू करता हूँ रणवीर एंड रश्मि मूव्ड राउंड द हिल एंड केम डाउन टू द क्लॉक टावर बच्चों ये कहानी है उस दोस्तों की आप जैसे फोटो में देख सकते हैं कि वो कैसे होली खेल रहे हैं होली क्या होली में कैसे होता है बच्चों कि बच्चे कैसे पूरे शहर में पूरे गांव में पूरे गली में घूमते रहते हैं वैसे वो यहाँ पर होली कैसे खेल रहे हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है सो रणवीर एंड रश्मि क्या है वो दोस्त हो सकते हैं मूव फ्रॉम द हिल एंड केम डाउन टू द क्लॉक टावर बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया गया है क्लॉक टावर के पास कैसे बच्चों लोग आते हैं और वहां पे सब जमा होकर इकट्ठा होली खेलते हैं देयर द स्प्रिंग हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड ओपन बच्चों देखो यहाँ पे वर्ड है डिक्लेयर्ड ओपन मैंने यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिया है मीन्स अनाउंस दैट इट हैड स्टार्टेड मीन्स वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ठीक है बच्चों क्या होता है होली जैसे कि बच्चों गुलाल पानी रंग बिरंग पानी है फिर क्या है मुखौटा लगाते हैं बच्चों फिर अलग प्रकार का बाल वाल लगाते हैं फिर पुराने कपड़े पहन के हम होली खेलते हैं ठीक है बच्चों तो वो सब उन टाउन में ये जो जगह है क्लॉक टावर के पास वो आ चुके थे ठीक है बच्चों उसके बाद क्लाउड्स ऑफ कलर डस्ट रोज इन द एयर एंड स्प्रेड एंड जेट्स ऑफ वाटर ग्रीन एंड ऑरेंज एंड पर्पल बर्स्ट आउट एवरीवेयर देखो बच्चों यहाँ पे जो कलर डस्ट लिखा गया है वो क्या है वो है गुलाल जैसे हम गुलाल वैसे फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत कलर निकलता है और वो जो हवा में भी कलर कलर हो जाता है जैसे कोई भी कलर हो गुलाबी हो नीला हो बैंगनी हो सफ़ेद हो पीला हो हर प्रकार के गुलाल हम लोग देखने को पाते हैं ठीक है बच्चों क्लाउड्स ऑफ कलर डस्ट रोज इन द एयर एंड जेट्स ऑफ वाटर ग्रीन मतलब बच्चों जो पानी में हम गुलाल मिलाते तब क्या है पानी का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर का होता है ऑरेंज कलर का होता है पर्पल कलर का भी होता है बर्स्ट आउट एवरीवेयर वो हर जगह वो क्या है फेंकते रहते हैं ठीक है बच्चों अब पता है आप होली कैसे खेलते हो अब वो पिचकारी विचकारी खरीदते हो कि नहीं बंदूक में आता है वो तो उसमें पानी डाल के हम एक दूसरे के ऊपर छींटा करते हैं ठीक है बच्चों उसके बाद चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स दे वेयर आर्म्ड मेनली विद बाइसिकल पंप और पंप मेड फ्रॉम बांबू स्टेम्स फ्रॉम विच कलरफुल वाटर स्पॉटेड आउट चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स मतलब
बच्चों सब ग्रुप ग्रुप बना के खेलते हैं। क्या अकेले हम होली खेलते हैं क्या? हम किसके साथ होली खेलते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ होली खेलते हैं। तो वो ग्रुप में सब बनाने लगे क्या? स्कूल के बच्चों को वो सब क्या, ये सब खेलने में, मौज मस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रुप में वो सब होली खेलने लगे। दे वे आर्म्ड विद मेनली विद बाइसाइकिल पंप्स। बच्चों देखो तो पिचकारी होता है लंबा वाला, ठीक है, वो सब क्या है, बड़े बड़े जो पिचकारी होते हैं उसको क्या है इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, बच्चों जो रंग बिरंगन पानी है उसको एक दूसरे के ऊपर फेरने के लिए, ठीक है बच्चों। एंड और पंप मेड फ्रॉम बाम्बू स्टेम्स। बच्चों बाम्बू का मतलब क्या होता है? बाम्बू मतलब बांस, बांस के डंगाल से भी, स्टेम से भी एक मतलब पिचकारी जैसे बनाया जाता है, उसको भी उन लोग यूज करते हैं। फ्रॉम विच कलरफुल वाटर स्पॉटेड आउट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, स्पॉटेड आउट, मतलब इससे पहले एक वर्ड था जेट, स्ट्रीम्स ऑफ लिक्विड, मतलब एक साथ जो पानी निकलता है उसको हम बोलेंगे स्पॉटेड। तो यहाँ पे स्पॉटेड का मीनिंग क्या है? पोर्ड आउट सडनली, मीन्स अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से पानी वहां पे गिर जाता है। कलरफुल वाटर, सही बात है। हम क्या होली के दिन सादा पानी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम उस समय कलरफुल पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ए बाइसाइकिल पंप वाज डायरेक्टेड एट ट्रस्टी एंड अ जेट ऑफ ब्लैक वाटर केम फ्लाइंग इनटू हिज फेस। देखो बच्चों यहाँ पे है बाइसाइकिल पंप, बाइसाइकिल पंप का मतलब जो वो भी एक पिचकारी ही होता है, ठीक है बच्चों। उसको डायरेक्टेड एट ट्रस्टी, ट्रस्टी के पूरा मुंह में वो क्या पूरा पॉइंट करके एंड अ जेट ऑफ ब्लैक वाटर। देखो बच्चों यहाँ पे जेट लिखा है, जेट का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम्स ऑफ लिक्विड, मीन्स एक साथ पानी वहां से क्या है निकलता है, ठीक है। देन केम फ्लाइंग इनटू हिज फेस, मतलब फ्लाइंग मतलब ऊपर से उड़ के आता है, मतलब उड़ के मतलब पानी उड़ सकता है क्या? ऊपर से अगर फेंका जाता है तो उसके मुंह में आके वो गिरता है, ठीक है बच्चों। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी। रस्टी वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट एंड लेफ्ट इन ग्रेट कंफ्यूजन। देखो बच्चों अचानक से तुम्हारे मुंह में अगर कोई पाउडर, कोई गुलाल, कोई कोई पानी फेंक देने से क्या है, हमारे आंखों के सामने आने से हम क्या थोड़ा देखने में हमको थोड़ा तकलीफ होता है, हम अचानक से जान नहीं पाते कि हमारे सामने क्या हो गया, हमारे सामने पूरा काला काला जैसे छा जाता है। उसको भी वैसे ही अचानक से कोई अगर हमारे मुंह में पानी या गुलाल फेंक देगा तो क्या होगा, वैसे ही उसको थोड़ा लगने लगा। देन ए होड़े ऑफ चिल्ड्रन अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। देखो बच्चों यहाँ पर होड़, होड़े मीन्स ए क्राउड ऑफ पीपल, मीन्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, एक भीड़ हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देन ए होड़े ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स। देखो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ लो ये अगर रस्टी है तो चारों तरफ से बच्चे उसको क्या है घेरने लगे और उसको पानी और गुलाब फेंकने लगे। स्क्विटिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पंप। बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड है स्क्विटिंग, शूटिंग आउट द लिक्विड। देखो बच्चों ये लोग जो बंदूक रखे रहते हैं, जो पिचकारी लगा रहते हैं, उसको उन लोग क्या करने लगे, उसमें उन लोग पानी भर के उसमें उन लोग पानी उसके मुंह पे फेंकने लगे। स्क्विटिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पंप, ये पंप से ऐसे सब फेंकने लगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखो रस्टी शर्ट एंड पायजामा वर ड्रेंच्ड थ्रू। देखो बच्चों क्या होता है, हम लोग होली में जो क्या ऐसे हम जो अभी नॉर्मली जो साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, कोई पहनता है क्या वो नहीं, कोई पुराना कपड़ा हो, कोई फटा पुराना कपड़ा हो, हाफ पैंट हो, फुल पैंट हो, जैसे भी हो, टी शर्ट हो, वैसे कपड़ा पहन के हम लोग होली खेलते हैं, क्योंकि वो क्या है पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, ऐसे गुलाल लग के कि ऐसे पानी लग के वो सब क्या उसमें बर्बाद हो जाता है, तो इसीलिए हम पुराना कपड़ा पहनते हैं। तो रस्टी शर्ट एंड पायजामा, उसका शर्ट और जो पायजामा है वर ड्रेंच थ्रू, ड्रेंच मतलब पूरा भीग गया था, ठीक है, कैसे सब पानी डाल रहे, सब कलरफुल पानी उसके ऊपर डाल रहे थे रंग बिरंगी, तो वो पूरा भीग गया था। दे स्टक टू हिज स्किन, मतलब पूरा जैसे भी जैसे बच्चों अगर तुम जो कपड़ा पहने हो उसके ऊपर कोई पानी डाल क्या हो जाएगा, वो पूरा स्किन में चिपक जाएगा कि नहीं, वैसे ही पूरा चिपक गया था। देन समवन ग्रिप्ड द एंड ऑफ हिज शर्ट, फिर उसके एक शर्ट को एक एंड को किसी ने पकड़ा। The stranger tugged at until it tore and came away. बच्चों आपने कभी देखा होगा होली में क्या होता है, कपड़े भी फाड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी ने आके रस्टी के शर्ट के एक कॉर्नर को पकड़ा और उसको पूरा जोर से खींचने लगा, तो वो शर्ट क्या है पूरा फट गया। वैसे ही होता है शर्ट पैंट का मतलब जो भी है
बदमाशी करते हैं बच्चे लोग, उसको पूरा वो फाड़ दिया। द स्ट्रेंजर टक्ड एट इट अंटिल इट टोर एंड केम अवे, डस्ट वाज थ्रोन ऑन द बॉय ऑन हिज फेस एंड बॉडी रफली एंड विद फुल फोर्स। बच्चे कहीं कहीं क्या होता है, होली खेलना हमारे लिए बहुत डेंजर भी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे आंखों में, कानों में, मुंह में भी गुलाल जो है फेंक देते हैं, मट्टी भी फेंकते हैं, गोबर फेंका करते हैं, बहुत मतलब गलत तरीके से भी खेलते हैं। तो वैसे ही रश्मि को उसके शर्ट पूरा फाड़ने के बाद उसके ऊपर डस्ट फेंका गया, धूल फेंका गया उसके फेस में, उसके बॉडी में चारों तरफ, और रख ली और उसको फुल फोर्स के साथ पूरा मतलब जोर लगा के उसके ऊपर पूरा फेंका गया। ठीक है बच्चों, ये पेज में ये पेज ये खत्म होता है। फिर आप देखो देखो ऊपर भी हम देखें, कभी कभी हम छत के ऊपर बैठ के जो लड़की है लड़के लोग क्या करते हैं, गुब्बारा में पानी भर के क्या करते हैं, ऐसे ऊपर डाल देंगे, तुम लोग भी करते होगे ऐसे पानी ये डाल रही है सबके ऊपर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज में। देन स्लोली हिज आईज क्लियर्ड, फिर धीरे धीरे बच्चों क्या अचानक से पानी और जो गुलाल उसके ऊपर गिर जाता है, धीरे धीरे उसको आँख से वो साफ करने लगा, साफ पानी से धोने के बाद। ही ब्लिंक्ड एंड लुक्ड वाइल्डली राउंड एट द ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु चीयर्ड एंड डांस इन फ्रंट ऑफ हिम। ही ब्लिंक्ड, ब्लिंक के मतलब ऐसे आग झपझपाना। ठीक है बच्चों, वो ऐसे आग धीरे से खुलता है और क्या देखता है चारों तरफ कि कुछ उसके दोस्त लोग हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो उसके सामने डांस कर रहे हैं, गोल 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 घूम के डांस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, डांस इन फ्रंट ऑफ हिम। His mouth seemed full of dust too, and he began to spit. देखो बच्चों, जब हम होली ऐसे खेलते हैं तो क्या होता है, कुछ जो धूल है कुछ गुलाल ऐसे डालते डालते मुंह में भी चले जाते, तो क्या तो रश्मि ने क्या किया उस समय, उसके मुंह में इतना धूल भर गया था कि फिर स्पिट स्पिट है थूकने लगा पूरा पूरा वो जैसे हम उल्टी करते ना, पूरा पूरा उसके मुंह से जितना भी था उसको पूरा वो बाहर निकालने लगा। स्पिट का मतलब होता है बच्चों थूकना। फिर बच्चों उसके बाद देखते हैं हम, देन वन बाई वन रणवीर फ्रेंड अप्रोच रश्मि। रणवीर के कुछ दोस्त थे, मतलब यहाँ दो दोस्तों की कहानी आप सबसे पहले बताई गई है, रणवीर और रश्मि। तो रणवीर के जो दोस्त थे वो रश्मि के पास आने लगे, अप्रोच का मतलब उसके पास जाने लगे। जेंटली दे रब्ड डस्ट ऑन द बॉयज चीक्स एंड एम्ब्रेज हिम। फिर बच्चों देखो, गुलाल उसके मुंह में ना लगा के जो डस्ट है, जो मड है, मिट्टी है, ठीक है, वो रश्मि के मुंह में लगाने लगे। चीक का मतलब होता है बच्चों गाल, मुंह में लगाने लगे। और एम्ब्रेज हिम, एम्ब्रेज का मतलब गले लगाना होता है, ठीक है, गले जैसे हम वो मिलते हैं त्योहारों में वैसे ही वो उसको फिर गले मिले। दे वर लाइक कलरफुल डेमन्स एंड रश्मि कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन ऑफ देम। देखो बच्चों, दे वर लाइक कलरफुल डेमन्स, बच्चों यहाँ डेमन्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे दिया गया है, डेमन्स का मीनिंग है मॉन्स्टर्स। बच्चों मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, राक्षस। तो वैसे उसके मन में राक्षस जागने लगा। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होता है कि उसको लगा कि ये सब क्या है, सब राक्षस ही हैं जो मेरे सामने ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और वो उसको किसी को भी वो पहचान नहीं पाया। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बच्चों, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डिस्टिंग्विश, बच्चों डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान। हम की उसको मतलब जो रश्मि है वो आसपास उसके जितने भी बच्चे खड़े थे उसको पहचान नहीं कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, रणवीर सेड नाउ यू आर वन ऑफ अस कम एंड रश्मि वेंट विद हिम एंड द अदर। देखो देखो बच्चों, जो भी है वो क्या है, उसके वो दोस्त है सब, तो रणवीर भी उसका दोस्त है, रणवीर के कुछ दोस्त उसके साथ ऐसा करने लगे। फिर वो बोलने लगा कि रणवीर तुम भी अब हमारे जैसे हो गए हो, चलो हम आगे चलते हैं, अभी अभी यहाँ हम लोग जितना होली खेलना था खेल लिया, अभी हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ ले जा रहे थे उसको, वो तो हमको आगे पता चलेगा। फिर उसको देखो यहाँ पे जो लाइन बोला गया है, रणवीर सेड नाउ यू आर वन ऑफ अस कम एंड रश्मि वेंट विथ हिम एंड द अदर्स। इसका मतलब बच्चों, ये जो रश्मि है वो भी रणवीर के दोस्तों के साथ चलने लगा, और द अदर जो भी उसके दोस्त थे रणवीर के दोस्त थे उसके साथ वो चलने लगा। ठीक है बच्चों, फिर देखो फिर और एक लड़की की कहानी आती है बीच में। देखो यहाँ पे ये जो लड़का है इसका नाम है सूरी, क्या नाम है बच्चों, सूरी। सूरी की कहानी है फिर इसके बाद। सूरी इज हाइडिंग क्राइड समवन, क्या करते हैं बच्चों, कुछ लड़के हैं क्या लड़कियां हैं जो क्या होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, घर में छिप जाते हैं।
तो हम लोग क्या उसको जबरदस्ती करके उसके पास जाते हैं, ऐसे जबरदस्ती हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या है ये मौज मस्ती के लिए करते हैं। तो सूरी छुपा हुआ था, वो इस ग्रुप में नहीं था। तो किसी ने बोला ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस एंड वोंट प्ले होली। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी ऐसे करते हैं कि वो होली नहीं खेलेगा बोल के वो अपने घर में छुपा हुआ था। अपने घर में छुपेगा और कहाँ छुपेगा, छोटा बच्चा है तो वो वहाँ पे छुपा हुआ था बोल के किसी ने उसको बोला। वेल ही विल प्ले होली सेड रणवीर इवन इफ वी हैव टू ब्रेक द हाउस डाउन। देखो बच्चों, यहाँ पे जो रणवीर है उसके मतलब बातचीत से हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत बदमाश लड़का है, बहुत दुष्ट है। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि अपने दोस्तों को भले वो खेले ना खेले हम, लेकिन हम उसको जरूर खिलाएंगे होली, भले हम उसका घर का दरवाजा क्यों ना तोड़ना पड़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, इवन इफ वी हैव टू ब्रेक द हाउस डाउन, घर भी हमको क्यों ना तोड़ना पड़े हमको, लेकिन उसको साथ होली खिलवाना है, वैसे भी खेलना है। फिर बच्चों उसके बाद क्या होता है, देखो सूरी हु ड्रेडेड होली हैड डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन ए स्टेट ऑफ सीज। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ड्रेडेड, ड्रेडेड का मीनिंग हम पढ़ेंगे। तो बच्चों उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूरी हु ड्रेडेड होली। देखो बच्चों यहाँ एक वर्ड है ड्रेडेड, उसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं बच्चों, ड्रेडर का मतलब होता है डरना, जो क्या है बहुत डरता है वो, ठीक है बच्चों। तो सूरी क्या है होली से बहुत डरता था, क्योंकि बहुत बच्चे उसके साथ कोई मिसबिहेव करेगा, कोई उसको मतलब गुलाब फेंकेगा, पानी फेंकेगा, जैसे अभी रश्मि के साथ हुआ, तो उसको क्या है वो डर लगता था, इसलिए वो होली से बहुत डरता था और वो उससे दूर रहता था। हैड डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन स्टेट ऑफ सीज, हैड डिसाइडेड मतलब उसने डिसाइड किया कि वो होली बिल्कुल नहीं खेलेगा। और बच्चों यहाँ पे और एक वर्ड सीज, सीज मतलब किसी कब्जे में रहना होता है। तो बच्चों वो क्या किया, वो अपने घर में ही रहना चाहता था और वो बाहर नहीं निकलना चाहता था, ठीक है बच्चों। फिर देखो एंड हैड सेट अप कैंप इन हिज मदर्स किचन। यहाँ जो वर्ड एक तो है बच्चों सेटअप कैंप, सेटअप कैंप मतलब क्या वो कैंप बनाया था अपने घर में, नहीं वैसा नहीं, वो अपने मम्मी के किचन में, आपको तो पता है कि हमारे किचन है वो हमारे मदर के हाथ में है, तो वो वहाँ पे किचन में वो छुप गया था, वहाँ पे वो रहता था, ठीक है बच्चों। वेयर देयर आर प्रोविजंस इनफ फॉर द होल डे। फिर बच्चों देखो और एक चीज बहुत जरूरी चीज है, यहाँ एक वर्ड है प्रोविजन, ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों एक वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है फूड, खाना, किचन में ही खाना होता है। और कहा बच्चों हम अपने बेडरूम में या गेस्ट रूम में लिविंग रूम में रखते हैं खाना, नहीं किचन में ही हम लोग खाना रखते हैं, ये जो मीनिंग है प्रोविजन फूड, ठीक है बच्चों। तो वो क्या करते हैं, वो किचन में वो छिप गया था क्योंकि वहाँ पे दिन भर का खाना मिल जाएगा। अब क्या दिन भर रात भर थोड़ी ना मिलेंगे, तो वहाँ पे वो छिप गया था, ठीक है बच्चों। फिर ही लिसन्ड टू हिज पेमेंट्स कॉलिंग टू हिम फ्रॉम द कोर्टयार्ड। वो क्या बच्चों दिखता है बहुत दूर से, वो सुनता है कि उसके जो दोस्त हैं उसको बुला रहे हैं, चूरी चूरी करके उसको बुला रहे हैं। ही इग्नोर देयर इन्विटेशन जियर्स एंड थ्रेट्स। देखो बच्चों यहाँ एक वर्ड है जियर्स, जियर लाफ रूडली एट समबडी, मतलब उसका बच्चे उसको मजाक उड़ाते हैं। बच्चों अब क्या होता है, कोई बच्चा अगर खेल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता, तो आप लोग भी क्लास में कभी किसी का मजाक उड़ाएंगे, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसके जो दोस्त हैं उस सामने उसके घर के सामने से उसको बुला रहे हैं, छुरी छुरी बोल के कि होली खेलने के लिए आओ। तो वो क्या कर रहा है, वो उनके इग्नोर मतलब नकारता है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। इन्विटेशन को जो उसको बुलावा है उसको ध्यान नहीं देते हैं, और जो उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते हैं। द डोर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बैरिकेटेड। देखो बच्चों जो उसके घर का जो दरवाजा है बहुत मजबूत है, सामने का दरवाजा है तो हमेशा मजबूत ही रहना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। बैरिकेटेड बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड है बैरिकेटेड, बैरिकेटेड का मीनिंग क्या है बच्चों, प्रोटेक्टेड विद बैरियर, मतलब चारों तरफ से अच्छे से घिरा हुआ हो, ठीक है बच्चों, वो पूरा मजबूत था। He settled himself beneath a table and flipped the pages of a journal. देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा था, वो एक टेबल के नीचे वो छिप गया था, और एक जर्नल, जर्नल का मतलब होता है बच्चों एक किताब, कोई मैगजीन, उसको वो पलट के देख रहा था। कैसे टाइम पास करेगा वो, तो वैसे ही वो टाइम पास कर रहा था वो। फिर बच्चों देखो
बट द यूथ आउटसाइड वर नॉट गोइंग टू मीट द प्रेजर ऑफ डिसकम्फिटिंग. देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है डिसकम्फिटिंग, मेकिंग समबडी फील एम्बारेस्ड. बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है एम्बारेस्ड. एम्बारेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब नीचा फील करना, मीन्स उसको कोई मतलब बहुत परेशान करता है, तो आपको क्या है, आपको खुद को ही बहुत बुरा लगता है. ठीक है बच्चों, आप ऐसा दिन आएगा जब आपको लगेगा कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आपने आपका तो आपको लगेगा कि मैं बहुत एम्बारेस हो गया हूँ. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिसकम्फिटिंग कि वो सब सूरी को डिसकम्फिटिंग करना चाहते हैं, मतलब मेकिंग सूरी फील एम्बारेस. लेकिन जो बच्चे, जो यंग बच्चे जो बाहर खड़े हैं वो, लेकिन ये मौका आज जो होली आया है, होली का मौका उसे हासिल करना चाहते हैं, उसको वही छोड़ना नहीं चाहते, आसानी से सूरी को छोड़ना नहीं चाहते थे. सो दे एक्वायर्ड ए लैडर एंड मेड देयर एंट्री इनटू द किचन बाय द स्कैलेटन. देखो बच्चों कितने ये सब हरकतें देख के आपको लग सकता है कि बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं. क्या किए उन्होंने, सीढ़ी जो लकड़ी का सीढ़ी होता है ना लैडर, उसको वो लेके आ गए और मेड देयर एंट्री इनटू द किचन, मतलब उसको घर के बाजू में लगा के किचन के अंदर वो एंट्री करने के लिए तैयार हो गए. ठीक है बच्चों, बाय द स्कैलेट. स्कैलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्कैलेट का मतलब होता है रोशनदान, वेंटिलेशन, जहाँ से वो अंदर घुस सके, तो वो वहां पे घुसने लगे. सूरी स्क्विल्ड विथ फ्राइड. देखो बच्चों यहाँ और एक वर्ड है स्क्विल्ड. स्क्विल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, क्योंकि देखो बच्चों अगर तुम्हारे घर में कुछ अनजान अचानक से कुछ होगा, मतलब कोई भी इंसान अगर ऐसे रोशनदान से खिड़की तोड़ के छत के ऊपर से आएगा तो आपको कैसे लगेगा, डर लगेगा कि नहीं. वैसे ही सूरी भी बहुत डरने लगा, वो चिल्लाने लगा. फ्राइड, फ्राइड का मतलब डरना. ठीक है बच्चों, द डोर वॉज ओपन एंड ही वॉज बंडल आउट. फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो जैसे उसके दोस्त लोग अंदर आ गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सब अंदर आने लगे, बंडल आउट मतलब सब अंदर आने लगे. और वो बंडल आउट का मतलब होता है बच्चों वो सूरी को बाहर कब लेगा. देखो बच्चों यहाँ पर फोटो भी दिया गया है कैसे उसको यहाँ पे लेटा है. आउट एंड इज स्पेक्टिकल्स वर ट्रैम्पल्ड. बच्चों स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा. देखो यहाँ पे कैसे चश्मा यहाँ पे, और बच्चों देखो यहाँ पे ट्रैम्पल्ड एक वर्ड है. ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है क्रश अंडर द फीट, मतलब उसके पैरों के नीचे, पैरों के नीचे जिन्होंने ऐसे मतलब दबा दिया था. क्या होगा बच्चों, जो चश्मा होता है वो क्या कांच का या प्लास्टिक से फाइबर का बना होता है, वो अगर हम पैरों के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा. वैसे ही वो टूट गया. ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो फोटो भी दिया गया है ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट. माई ग्लासेस ही स्क्रीम्ड यू हैव ब्रोकन देम. क्या बच्चों कि वो चिल्लाने लगा कि मेरा चश्मा टूट गया. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. ठीक है बच्चों, यू हैव ब्रोकन देम. फिर वो अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, उसके जो लड़के लोग दोस्त आए थे उनको बोल रहे हैं कि तुमने इसको तोड़ दिया, क्योंकि हमको भी बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा कोई भी चीज का अगर नुकसान हो जाएगा तो. यू कैन अफोर्ड अ डजन पेयर, जियर्ड वन ऑफ द बॉयज. देखो बच्चों यहाँ पे वर्ड है जियर्ड, लाव लुलियर समझ, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अरे तू ये कितना क्यों डर रहा है, इतना कंजूसी क्यों कर रहा है, तू ऐसे और एक डजन चश्मा बना सकता है. डजन का मतलब होता है बच्चों 12 जोड़ी आर से बना सकते हैं, क्योंकि इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं. रस्टी कुड नॉट हेल्प हिटिंग द फ्रंटिक बॉय. देखो बच्चों आखिरी में और एक वर्ड है फ्रंटिक. फ्रंटिक का मतलब वेरी वरीड, मतलब वो बहुत चिंतित में था, क्योंकि पहली बार उसके जो उसके घर में जो लड़के लोग हैं जबरदस्ती घुस गए हैं, यहाँ इसका चश्मा तोड़ दिए हैं. वो बेचारा छुप के बैठा हुआ था घर में, कुछ और काम कर रहा था, होली से वो डरता था, लेकिन वो ये सब जबरदस्ती उसको ये सब करने लगे. तो रस्टी जो था, रस्टी को इन्होंने भी ऐसे जबरदस्ती उठा के लाया था, मतलब उसको जबरदस्ती कलर लगा के, गुलाल लगा के, धूल मिट्टी लगा के लाए थे, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था. वो ये सब खाली देख देख के खाली कुछ कर नहीं पा रहा, उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली वो सूरी को देख के वो चुपचाप खड़ा था. तो बच्चों ये जो कहानी है, ये जो कहानी के जो राइटर है बच्चों रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड जो राइटर है बच्चों बहुत ही फेमस राइटर है. वो ऐसे बच्चों के बहुत सारे कहानियां वो लिखते हैं. और देखो ये जो कहानी है व्हेन रस्टी ब्रेड होली, उनके एक किताब है, देखो यहाँ पे लिखा गया है एन एक्स्ट्रैक्ट अडैप्टेड फ्रॉम द रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड इसके तो राइटर है, लेकिन
जो बुक का नाम है रूम ऑन द रूफ, ये बुक का नाम है द रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये बुक से छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया गया है, हम तो पूरा बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो बुक लिखा गया है द रूम ऑन द रूफ उससे ही लिया गया है। उसमें क्या होता है बच्चों, देखो जो भी राइटर्स होते हैं वो क्या बहुत सारे मतलब किताबें लिखते हैं, उसमें से बहुत सारे कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं, तो उसमें से ये कहानी है व्हेन रस्टी प्लेयर होती। तो बच्चों ये सब जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है बच्चों, ये कहानी से ये जो चैप्टर हमने अभी जस्ट पढ़ा व्हेन रस्टी प्लेयर होती रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो लिखा गया है, उससे हम बच्चों क्या जानने को मौका मिलता है, ये हमको जानने का मौका मिलता है कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल को। ठीक है बच्चों, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और ये होली हो दिवाली हो जो भी हो, होली में रंगों का त्यौहार है, दिवाली में दिया पटाखा का त्यौहार है, ठीक है, तो वो सब क्या है अलग होता है। ठीक है बच्चों, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये जो चैप्टर में हमको ये जानने का मौका मिला है कि कैसे त्यौहार मनाया जाता है, जैसे मैंने अब आपको कुछ मिनट पहले बोला कि होली का जो त्यौहार है वो रंग बिरंग कलर गुलाल पिचकारियाँ मिठाइयाँ का त्यौहार है। वैसे भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली में जैसे पटाखे नए नए कपड़े पहने जाते हैं, या क्या हम नए नए पुराने कपड़े पहने हैं, क्योंकि वो गुलाल से रंग बिरंग पानी से वो क्या बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों ये जो हम त्यौहार मनाते हैं इसको हमको बहुत मतलब केयरफुली मनाना पड़ेगा। जैसे हम ये चैप्टर में देखा कि जो बच्चे थे रणवीर और उसके दोस्त थे, उन्होंने रस्टी के साथ जो किया वैसे ही सूरी को बहुत परेशान किया। ये तो है त्यौहार मेल मिलाप का भाईचारा का, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों हद से ज़्यादा बढ़ जाने से वो क्या अच्छा नहीं होता है। वैसे ही इसमें हमने क्या देखा कि जो रणवीर हैं और उसके दोस्त हैं, उन्होंने रस्टी को जो बुलाया उसको भी बहुत गुलाल लगाया, पानी छीटा उसके ऊपर, गुब्बारे भी मारे, धूल मिट्टी भी लगाया, लेकिन उसको साथ में ले गए सूरी के यहाँ, और जो सूरी जो बेचारा अपने घर में था बैठा था उसको ये सब चीज़ों से डर लगता था, लेकिन उसको उन्होंने जबरदस्त उसके घर में घुस के उसको बाहर बुलाया और उसके चश्मा भी तोड़ दिया, और उस पर लोग सब जितने भी दोस्त थे सब उसके ऊपर क्या करने लगे मजाक उड़ाने लगे। ठीक है बच्चों, ये सब चैप्टर में पूरे चैप्टर में हमको एक चीज़ जानने का मौका मिलता है कि कैसे हम इंडिया में बहुत सारे नाना प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ जो बच्चे लोग का जो ग्रुप बनाया गया उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ जो रणवीर उसके दोस्त थे कितने दुष्ट थे कितने बदमाश थे। जो भी है शांतिपूर्वक अगर हम बनाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा वो बदमाशी कर रहे थे। ठीक है बच्चों, यही है इस चैप्टर का सारांश, और इस चैप्टर को जैसे राइटर है रस्किन बॉन्ड ने ये बुक द रूम ऑन द रूफ से एक छोटा सा कहानी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों देखो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है वो आपको पता चल गया। फिर देखो कॉम्प्रिहेंशन, एक वर्ड एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट डिड रणवीर एंड रस्टी सी व्हेन दे केम डाउन द हिल। सो व्हेन रणवीर एंड रस्टी मूव्ड डाउन द हिल एंड केम डाउन टू द क्लॉक टावर दे सॉ दैट द स्प्रिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मीन्स जो पानी का जो स्ट्रीम ऑफ लिक्विड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो स्प्रिंग ऑलरेडी चालू हो चुका था, ऑलरेडी लोग रोड पे होली खेलना चालू कर चुके थे। ठीक है बच्चों, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू रस्टी एज सून एज ही कम डाउन, जैसे ही रस्टी नीचे आने लगा, व्हेन रस्टी केम डाउन ही वाज डायरेक्टेड अ जेट ऑफ ब्लैक वाटर विच वॉज डन बाई द बाइसाइकिल पम्प से उन्होंने उसके मुंह पे पानी छीटा मारा। ठीक है बच्चों, यही है, ये सब मैंने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, और जो भी है वो आपको भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हु सेड दिस हु, ये मतलब ये जो लाइन है वो किसको बोला गया, कैसे बोला गया, कौन था ये है। फिर उसके बाद बच्चों कुछ ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं, ये सब भी आपको भेजा जाएगा। और बच्चों मैं जाते समय ये वीडियो ख़त्म करते समय मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तो किताब अपने पास रखिए। ये आज देखो बच्चों ये है कोर्स बुक का जो बुक है,
कि किताब अपने पास रखें, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपने बुक नहीं खरीदा है तो प्लीज़ स्कूल आकर आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आपको ये वीडियो, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही बोल के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, टाटा।